हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ हैदराबादी बिरयानी। तो ये बहुत टेस्टी होता है और आप भी बनाइए, खाइए अपने फैमिली के साथ, शेयर कीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बनाते हैं, कैसे बनाना है हमें हैदराबादी बिरयानी। तो ये देखिए, मैंने मटन लिया, मटन को मैरिनेट करके कुकर में डाल दिया है अच्छे से पकने के लिए। और वो जब तक हमारा कुकर में मटन तैयार होगा, जब तक मैं गर्म पानी करने के लिए डाली हूँ। इसमें ढेर सारा नमक, हरी मिर्च और इलायची डाली हूँ और इसे अच्छे से उबलने दूंगी। जब हमारा ये पानी उबल जाएगा और इसका फ्लेवर आ जाएगा इसमें, तो मैं हरी मिर्च और इलायची को निकाल दूंगी। उसके बाद मैंने इसमें चावल डाल दिया है और ये चावल हमारे उबल रहे हैं। ये पानी मैंने निचोड़ के रख लिया। और देखिए, जब तक हमारा मटन अच्छे से तैयार हो गया है और उसमें मैं चावल को डाल दी हूँ और ये हमारा चावल चला गया। इसमें मैंने जो फ्राइड अनियन रखे थे वो इसमें मिक्स कर दिए हैं और थोड़ा सा केसर के साथ दूध रखे थे वो भी डाल दिया और इसका लिड बंद किया और ये तैयार हो गया। झटपट से तैयार होने वाले हैदराबादी बिरयानी है ये। देखिए कितना बढ़िया सा बना है हमारा हैदराबादी बिरयानी। देखिए, आप देख सकते हैं, इस तरीके से करके खोल सकते हैं आप। और जब प्लेट आउट करेंगे तो चावल बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। ये झटपट से तैयार होता है हमारा पके हुए मटन के साथ हैदराबादी बिरयानी। और इसमें कोई झंझट भी नहीं होती है, बस आप मसाले डालें, अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर और थोड़ी सी गरम मसाले डालना चाहो तो जाएंगे, वरना नहीं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।